बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू शोनाज किचन। व्यूवर्स, अभी रिसेंटली मेरे घर पे फंक्शन था, महफिल थी हमारे घर पे, तो मैंने आलू चने बनाए थे। सो उसकी रिक्वेस्ट, बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी कि उसकी रेसिपी शेयर करो। सो आज मैं उसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ आप सबसे। वो आलू चना बनाने के लिए मैंने यहाँ पे चने उबाल लिए हैं और आलू भी उबाल लिए, उसके पीसेस कर लिए हैं। ब्लैक चने मैं यूज़ कर रही हूँ, अगर आपको वाइट पसंद है तो आप वाइट भी यूज़ कर सकते हो। ये है आलू का मसाला जो सूरत का रेडीमेड आता है, वो मैंने ऐड किया था। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप चिली फ्लेक्स डाल सकते हो। और ये है करियांडर लीव्स, करी लीव्स, राई एंड जीरा। यहाँ पे मैंने लिया है नमक, थोड़ा सा मैंने लिया है गुड़। ये है सूजी, दही, धनिया जीरा पाउडर एंड रेड चिली पाउडर और इमली का पल्प। सबकी क्वांटिटी आप देख सकते हो। अब यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई में ऑयल लिया है, इसको मैं स्टार्ट करूँगी। ऑयल गर्म होने पे मैं ऐड करूँगी राई, जीरा एंड कड़ी पत्ता। फ्लेम को हमने स्लो करना है अभी। अब इसमें मैं 2 चम्मच जितनी सूजी डालूंगी। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हो तो इसमें ग्रीन चिली पेस्ट भी ऐड करना। मैं थोड़ा सा यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। पहले सूजी को 2 मिनट हम स्लो पे रखेंगे, रोस्ट करेंगे। मैंने ऑलरेडी रोस्टेड सूजी ली है, सूजी हमारी रोस्ट हो गई है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी लहसुन एंड हरी मिर्ची का पेस्ट, 1 चम्मच ही मैं डाल रही हूँ। 1 बाय 1 सारी इंग्रेडिएंट्स हम ऐड करेंगे। फ्लेम को मैंने स्लो कर दिया है। नेक्स्ट इसमें मैं डाल रही हूँ इमली का पल्प, वो भी मैंने 2 चम्मच इतना ही लिया है। नेक्स्ट इसमें डालेगा दही। फ्लेम को भी स्लो ही रखा है। दही डालने के बाद अब फ्लेम को मैंने फुल कर दिया है। नेक्स्ट इसमें ऐड करूंगी, थोड़ा सा मैं हल्दी पाउडर बोलना भूल गई थी, हल्दी पाउडर, धनिया जीरा पाउडर एंड रेड चिली पाउडर। नेक्स्ट इसमें जाएगा आलू का मसाला। इसमें हम ऐड करेंगे नमक। दो चम्मच जितना गुड़। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। इसमें मुझे रेड कलर ऐड करने की ज़रूरत नहीं लग रही है, कलर अच्छा आ गया है ऑलरेडी। मसाले को हम 2 मिनट भूनने देंगे, स्लो फ्लेम में ही रखा है मैंने। सब अच्छे से मिक्स हो गया है, फ्लेम को मैं थोड़ा फुल करूँगी और इसमें हम जो आलू और चने रखे हुए वो ऐड करेंगे। अगेन हम फ्लेम को स्लो करेंगे और सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। देखो माशाल्लाह अच्छे से पक गया है ये। इसमें 1 बूंद जितना पानी ऐड करूंगी मैं।
ताकि मसाला एक दूसरे में चिपका हुआ ना रहे। देखो अच्छे से पक गए हमारे। इसमें एक बूंद जितना पानी ऐड करेंगे हम। थोड़ी सी हम इसमें कोरिएंडर लीव्स ऐड करेंगे। ये देखो हमारे यम्मी आलू चने रेडी हैं। ये वीडियो की मुझे रिक्वेस्ट आई थी, मेरे सारे फ्रेंड्स ने कहा था इसका वीडियो शेयर करना, तो मैंने रमज़ान में ही बना लिया। आप ज़रूर ट्राई करना और अगर आपको ये डिश पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब मैं इसे सर्विंग बाउल में लेके बताती हूँ। ये देखिए आलू चने रेडी है। प्लीज़ इस डिश को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव से शेयर कीजिए एंड शोनास किचन को सब्सक्राइब कीजिए। और रमज़ान महीना चल रहा है, सब दुआओं में याद कीजिए। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट रेसिपी। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।